था, और साथ में इसमें आप टेम्परिंग अलार्म है, जैसे पीछे में कोई इसको उखाड़ के फेंकने की कोशिश किया इसको, तो ये सीधा टेम्परिंग अलार्म चालू हो जाएंगे, तो कोई आपको बाहर से इसको उठाएगा तो वो नहीं। साथ में ये डोर फोन के साथ टेम्परिंग अलार्म जो होगा तो मोबाइल पे मैसेज आएगा, मोबाइल पे भी पुश नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी, ये पूरे मोबाइल से कनेक्टेड हो जाता है। आप घर में नहीं रहोगे तो आप घर मोबाइल से बात करना, विजिटर के साथ टू वे कम्युनिकेशन करना, लॉक अनलॉकिंग का ऑप्शन करना, आप एवरीथिंग कर पाओगे जो इंटरनेट के साथ कर पाओगे, ये ऑप्शन है। प्लस इसमें आपको 8 अलार्म सेंसर कनेक्टेड हो जाता है और 16 कैमरे कनेक्टेड, 16 आईपी कैमरा आप कर सकते हो, मतलब सीसीटीवी का लाइव व्यू इसमें देख सकते हो। अलार्म सेंसर यानी कि फायर स्मोक कैमरा का इसमें रिकॉर्डिंग भी होगा जो 32 लाइव स्ट्रीम टेस्टिंग लाइव। इसको अगर डायरेक्टली एनवायरनमेंट में दे देगा तो ये रिकॉर्डिंग करता है, क्योंकि ये खुद ही एक सीसीटीवी है। और इसमें अलार्म सेंसर लगता है, जैसे कि मोशन सेंसर, ट्रैफिक सेंसर, फायर सेंसर, कोई भी चोरी या नौकरी का वीडियो सेंसर, सेंसर 8 मैक्सिमम सेंसर आप इसमें लगा सकते हैं। वेयर सेंसर होना जरूरी है, वेयर सेंसर हो गया तो आप लगाओगे तो कोई हादसा हो गया तो आपको सीधा मोबाइल पे भेजना चलो है, ये फिर से दिखा रहा है इसको पूरा ओवर सेम में, क्योंकि देने का अर्थ ये कि कोई बंदा बेल दाप के अगर साइड में भी खड़े होते स्क्रीन राइट साइड में, लेफ्ट साइड में आप देख पा रहे या इधर से भी उसको दिखेगा, या बच्चा जब बेल दाप के बहुत नीचे रहे तो उनको दिखता नहीं कोई जगह पे, इसमें वो सुविधा होता है कि कोई भी एंगल में खड़ा होगा बिल दर उसको दिखना ही है। यहाँ से जैसे हमने कॉल उठा दिया, ये चीज़ हमको हो जाए पहले सामने होकर आवाज आ जाए, ये चीज़ को हमको जैसे थोड़ी देर में ना मोबाइल पे कॉल आ जाते हैं, मोबाइल में आते हैं तो आप उससे बातचीत कर सकते हैं, और साथ में फोटो स्टोरेज का ऑप्शन भी, जैसे मैंने ऑटो कैप्चर हो गया, अगर आप इससे काटे